हमारे चाचा जी यूं कह रहे कि लल्लू चाहे भले ही टुकड़ा है जाए, देखो वास्तव में भले ही टुकड़ा है जाए कोई परवाह ना है, क्योंकि इंजन फील्ड मार्शल को है, जितना लोड ताने को उतना ही बढ़ तो ही जाएगो। अब तुम यू के भाई सकल देख के पैसा दे रहे हो तो छोरी तो मोह बनो ना जाए।
विद्वानों प्रसंग आप लोगों के सामने वही है, राजा सुकौशल अपनी रानी और मंत्री से वार्तालाप कर रहे हैं। भैया बारात नगर में आ गई है, बेटी को कोई पता ना है। राजा सुकौशल मंत्री से कह रहे हैं, भैया बता मैं क्या करूं, भैया बता मैं क्या करूं, कुछ भी समझ आता नहीं। अरे दाग कुल को लग गया ये बेटा जाता नहीं। भैया मंत्री मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई पाप उदय हो गया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। आज राजा उस मंत्री से जवाब कर रहा है और क्या जवाब कर रहा है मराठी के माध्यम से भैया जी सुनिए। Thank you.
मंत्री ने हाथ जोड़ के ठाड़ा है, गो महाराज वैसे मेरी और आपकी जो औकात है वो बराबर की ना है, पर एक बात मेरी समझ में आ रही है, आपको आदेश हो तो कह दूं। राजा कह रहा हूं भैया काऊ ने जो कहिया डूबते को तिनके को सहारो है, जल्दी कह दे।
और अवध के पुतों अवध के राजा तू ब्याह सलपुर में छायो हरस को सलपुर में छायो और कभी कह रहा है देखो ठुकरी में पिया के पास कैसे जाऊं जाऊरी में तो पिया के पास कैसे क्यों ये रात अंधियारी कारी बिजली चमकी रही घटा गहराए रही बुधिया बरस रही एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छह पांच चार तीन दो सारे गामा पा धानी सा सानी धा पा मागा रे सा सा सारे रे गा गा रात अंधियारी काली बिजली चमक रही घटा गहराए रही बुंदिया बरस रही एक सौ रुपए बड़े भाई कृष्णा जी सरपंच साहब सिकरोरी वाले देवर जी दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद अरे रात अंधियारी काली बिजली चमक रही घटा के पास कैसे जाऊं जाऊंरी में तो पिया के पास कैसे सुमित्रा मंत्री की जाई अवध के राजा को ब्याही और देखो जैसे बूढ़े बड़े उड़ान गायो करे हरस को सलपुर में छायो हरस को सलपुर में छायो हरस को सलपुर में छायो कौशलपुर में छाया हरस कौशलपुर में छायो चाचा सुमित्रा की तैये भामर डार कौन के संग में दशरथ जी के संग में सुमित्रा की तैये भामर डार भेदनाए काऊ ने अरे है गई